शिवसेना के कार्यकारिणी की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें चार प्रस्ताव जो पास किए गए हैं, सबसे पहले जो खबर आई कि एकनाथ शिंदे बाला साहब के नाम से नई पार्टी शुरू कर सकते हैं, उसमें पहला प्रस्ताव यही है कि बाला साहब के नाम पर इलेक्शन कमीशन जाएगी शिवसेना। उद्धव के नेतृत्व पर भरोसा जताया। नंबर दो का प्रस्ताव, नंबर तीन सख्त कार्रवाई हो बागियों के खिलाफ, इस पर भी फैसला लिया जाए और उद्धव फैसला करें कि बागियों पर क्या कार्रवाई करनी है। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता पर भी प्रस्ताव पास किया गया है। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में ये चार बड़े फैसले, चार बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, कह रहे जिसने पार्टी से गद्दारी की उसे माफी नहीं मिलेगी, और साथ ही कह रहे हैं कि तुम अपना कोई नाम रखो। शिवसेना बाला साहब की थी, उन्हीं की रहेगी, ये संजय राउत ने स्पष्ट किया है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। संजय राउत जो कि लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं, शिवसेना बाला साहब की थी, उन्हीं की रहेगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये सब कुछ कहते हुए शिवसेना के बाप के नाम पर वोट मत मांगो, हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे थे संजय राउत इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद। ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं, उसमें से क्लियर संदेशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास है। चार चार उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख के आगे जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के उद्धव के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन दो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं भाई, उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। ठाकरे जी ने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको वो तो हो जाएगा बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो मुंबई में। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़ कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो आपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं, आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। हमारे बाप के नाम पर वोट मांगने की आपको कोई अधिकार नहीं है, अपने बाप, मतलब इस तरह के शब्दों पर अब पूरी ये कवायद आ चुकी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त शिवसेना भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजीव उनियाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में पहुंच गए। पंकज, चार बड़े प्रस्ताव, लेकिन शिवसेना के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एकनाथ शिंदे प्लान बना रहे हैं कि बाला साहब के नाम से पार्टी लॉन्च करेंगे, क्या तेवर यहां दिखाई दिए? देखिए, पहली बार शिवसेना आज काफी एग्रेसिव नजर आई है, उसका कार्डस एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे थोड़ा दिखाएंगे कि यहां पर किस हिसाब से यहां पर शिवसैनिक मौजूद हैं। कल तक इस तरीके से जमावड़ा नजर नहीं आ रहा था, रात से एक्टिविटी थोड़ी बड़ी है। पहले जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कल उन्हें बुलाया गया, रात भर यहां मीटिंग हुई है, कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग बुलाई गई है, आज तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, और अब सुनने में आ रहा है कि कल जो है युवा सेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी होने वाली, यानी मीटिंग्स का दौर चल रहा है यहां पर।
शिवसेना जानती है उसके सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है अपनी पार्टी को बचाना। सत्ता तो बाद में आएगी जाएगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त जबकि 37 से 38 के सिग्नेचर्स एकनाथ शिंदे ने दे दिए हैं, 50 से ऊपर का वो अपने समर्थन की इस वक्त बात कर रहे हैं, उनके भी तेवर काफी इस वक्त एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, तो शिवसेना को डैमेज कंट्रोल में तो आना ही है। उद्धव ठाकरे हालांकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, कल हमने देखा जिस तरीके से वो संबोधन कर रहे थे, कई बार बीच में उन्होंने खांसा भी और कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, क्राइसिस इतना ज्यादा है शिवसेना में कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यहां पर आना पड़ा, यहां पर जितने पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करना पड़ा और यहां पर रेजोल्यूशन पास किए गए हैं। उद्धव ठाकरे की भी महीनों बाद जो एग्रेसिव टोन है, जिस एग्रेसिव टोन के लिए शिवसेना जानी जाती है, जिस एग्रेसिव टोन के लिए शिवसेना का कार्डर जाने जाते हैं, आज ग्राउंड में वो नजर आ रही है। मुंबई ही नहीं, आसपास के कई सबर्बन इलाके हैं जहां पर शिवसेना के कार्डर्स काफी उग्र हो गए हैं, कई रेबल एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, पोस्टर्स को कालिक पोत दी जा रही है, वहां पर ऑफिस को डैमेज किया जा रहा है। मुंबई से लेकर पुणे तक शिवसेना कार्डर इस वक्त एग्रेसिव नजर आ रहा है, बहुत बड़ा क्राइसिस है शिवसेना के लिए। पार्टी को इस वक्त उद्धव ठाकरे को बचाना है, साफ कह दिया है पार्टी कार्डर्स ने, पूरा इस वक्त जो दारोमदार है उद्धव ठाकरे के ऊपर है। रेबल कैंप के खिलाफ वो क्या कार्रवाई करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे डिसाइड करेंगे, पार्टी का असल लीडर कौन है उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। बाल ठाकरे का जो हिंदुत्व है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनको आगे पार्टी लेकर हमेशा लेके जाएगी, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। तो यानी इस वक्त जो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर इसी बात का है कि एकनाथ शिंदे कैंप भी इस वक्त पीछे नहीं हट रहा है, वो भी तैयारी के साथ आया है। हालांकि इस कैंप में ठाकरे के, उद्धव ठाकरे कैंप में कितने विधायक पहुंचे, कितने विधायक रहे? देखिए अंजना, विधायकों के साथ साथ करीब एग्जैक्टली जो गिनती है वो तो यहाँ पर पता नहीं लगी, लेकिन 17 से 20 की गिनती यहाँ पर शिवसैनिक बता रहे हैं, साथ ही साथ और पदाधिकारी भी आए थे, तो कुल मिला के करीब 80 से 90 जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, अलग अलग फंक्शनरीज हैं पूरे महाराष्ट्र राज्य से, वो यहाँ पर आए हुए थे। देखिए गिनती की जहां तक सवाल है, अभी कोई भी जो शिवसेना का नेता, यानी उद्धव कैंप की बात करें, असल शिवसेना की बात करें, तो कोई भी एग्जैक्ट गिनती नहीं बता रहा है। शिवसेना आज भी कह रही है कि कई रेबल कैंप में ऐसे एमएलए हैं, 20 तक की काउंट बता रही है जो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में, हर रोज उन्हें फोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है आप फ्लोर टेस्ट के लिए आश्वस्त रहिए, एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। शायद यही कारण है कि आज शिवसेना अभी नहीं छोड़ रही है, लेकिन एक ऐसे समय में जब उद्धव ठाकरे जानते हैं कि लेजिस्लेटर पार्टी की तो उनके हाथ से ग्रिप अप निकल चुकी है।